हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली हैं, यानी कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 का, उनका बहुत ही सवाल रहता है, मुझे कॉल भी करते हैं कि इंग्लिश के लिए सजेशन क्या रहेगा, किस प्रकार से पढ़ें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सजेशन देने वाला हूं कि किस प्रकार से पढ़ा जाए। ऐसे तो ये सारी चीज़ें मैं पेड में इंक्लूड रखता हूं, लेकिन मोटा मोटी मैं आप लोगों को बात बता दूंगा जिनसे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसा होता है। तो जो क्वेश्चंस होंगी आपकी, वो दो सेक्शंस में बटी होंगी, वो होगी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी, तो सेक्शन ए जो है वो सभी जानते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको अटेम्प्ट 50 को करना है। तो ये तो क्लियर है, इसको किस प्रकार से तैयारी किया जाए वो मैं आगे बताऊंगा। और सेक्शन बी ये हमारा सब्जेक्टिव टाइप है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिटन में एग्ज़ाम देना है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसको बना करके छोड़ देंगे। तो किस प्रकार से सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, जैसे क्या कि आपको एसे की तैयारी करनी होगी, आपको लेटर राइटिंग लिखनी आनी चाहिए, आपको समरी याद करनी होगी एंड आपको क्वेश्चंस का जो आंसर है वो भी आपको याद करना होगा, यानी प्रिपेयर करना होगा, जो कि आपका बुक से होगा। वो बुक होती है रेनबो, सभी जानते हैं रेनबो पार्ट टू, और इसी से आपका एक्सप्लेन करने वाला भी आता है। एक यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है मैचिंग। तो इंग्लिश को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाए, यदि आपने अभी तक भी प्रिपेरेशन स्टार्ट नहीं किया, फिर भी आप क्वेश्चंस के पैटर्न को समझकर और प्रभावी सजेशंस के द्वारा आप उसका तैयारी कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन ए क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना है। तो अभी ऑब्जेक्टिव को मैं बाद में डील करूंगा, सबसे पहले मैं सेक्शन बी की बात करूंगा कि सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप में क्या क्या पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी यानी कि सब्जेक्टिव टाइप। और इसमें आपको देखिए बारी बारी से मैं बता रहा हूँ कि आपको एक ऐसे राइटिंग मस्ट है कि आप एक ऐसे लिखें, क्योंकि सबसे ये पहला क्वेश्चन है कि निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए। तो आपको कौन कौन से ऐसे याद रखने चाहिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, रिलेटेड टू कोविड, यानी कि जो कोरोना वायरस है, जो पेंडेमिक है, उससे रिलेटेड आपको एक ऐसे याद कर लेनी है। दूसरा है हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, जैसे कि प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है, रीडिंग बुक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हॉबी में रेडी करके रखनी होगी। एक और भी आपको तैयारी करनी होगी, फेवरेट क्या, जैसे कि फेवरेट राइटर, फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, फेवरेट प्ले, या फिर फेवरेट कुछ भी, अगर ऐसा कुछ हो तो आपको उसको तैयारी करके रखनी है। ज़्यादा चांस है कि पैंडेमिक से कुछ आए, क्योंकि अभी माहौल पैंडेमिक का है, तो पैंडेमिक आएगा और एक हॉबी, इसको आप प्रिपेयर करके रखेंगे। तो ये आपका ऐसे राइटिंग है जिसको प्रिपरेशन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, तो वो है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में क्या है कि आपने ऐसे लिखा और आपको तुरंत ही एक लेटर भी उसके नीचे लिख देना है। अब लेटर राइटिंग आप किसको लिखेंगे, तो आप तैयारी कर लेंगे कज़न का, यानी कज़न में ही आपका सिस्टर आ जाएगी, आपका ब्रदर आ जाएगा, और मैं आगे थोड़ा और बढ़ के अतिरिक्त बता रहा हूँ कि आप मदर एंड फादर ये याद कर लेंगे। यानी मदर को या फादर को किसी को अगर लेटर राइटिंग लिखना कहे तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। लेटर राइटिंग तो काफ़ी सिंपल है, मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक एप्लीकेशन भी आपको लिखना आना चाहिए, जो आपको प्रिंसिपल
या फिर एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लिखने के लिए कहता है। तो ये हो गई मोटा मोटी चीज़ें कि आपको एसे और लेटर राइटिंग की तैयारी करनी है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया जो बुक का होता है, वो होता है समरी। अब इस समरी की तैयारी किस प्रकार से की जाए, और समरी आपका प्रोज से भी हो सकता है, यानी ऑप्शंस रहते हैं, प्रोज से भी लिख सकते हैं एंड पोएट्री से भी आप समरी लिख सकते हैं। आप दोनों से समरी लिख सकते हैं, लेकिन आप कीजिएगा क्या, एक प्रोज या एक पोएट्री से ही समरी लिखिएगा, बाकी आप मैचिंग लिस्ट दो बना लीजिए तो काम चल जाएगा। आगे मैं उसका जिक्र करूँगा। देखिए प्रोज में क्या है कि प्रोज में आपको एक स्टोरी याद कर लेना है। स्टोरी क्या, जैसे कि ए पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ, इनको प्रिपरेशन में रखना है। बाकी बात तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ये सारी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो सभी को आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है और इससे क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी एक मोटा मोटी चीज़ें हो गई कि आपको एक स्टोरी याद कर लेना है प्रोज में, और पोएट्री में आपको स्नैक स्नैक याद कर लेना है, और माई ग्रैंड्स मदर्स हाउस, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, अगर हो सके तो आप मैकावटी भी, एक पोइट्री है उसे देख लीजिए, एक पोयम है इसे देख लीजिएगा। तो ये एक बात हो गई कि आपको तैयारी करनी है। अब आप जो है ना पोइट्री सेक्शन में, यानी कि पोइट्री के 1 चैप्टर से लेकर के 6 चैप्टर तक सारे ऑब्जेक्टिव्स को और साथ ही साथ उसके इम्पॉर्टेंट लाइंस को आपको देख लेना, यानी एक्सप्लेनेशन की तो यही छुट्टी हो गई। यानी कि इसके बाद 3 चीज़ें आपने कर ली। अब देखिए चौथा चीज़ क्या है कि आपको मस्ट है कि सभी राइटर के नाम आने चाहिए, उसे मैं कहता हूँ मैचिंग लिस्ट। मैचिंग लिस्ट अब करना क्या है कि आपको समरी में एक समरी लिखना है और मैचिंग लिस्ट में दो बनाना है, दो और एक, ये तीनों मिलके हो गया 3। और 6 नंबर के क्वेश्चन में कहा जाता है कि केवल ऑप्शंस 6 होंगे और आपको बनाने 3 हैं, तो आप बस इसे सॉल्व कर लीजिए, हो गया काम, बन गया। अब 5वें नंबर पर चले आइए, तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन। इसमें पोइट्री से भी एक्सप्लेन करना है एंड प्रोज से भी एक्सप्लेन करना है। तो आप देखेंगे कौन सा लाइन आपको जाना पहचाना लग रहा है, आप उसे एक्सप्लेन करते जाएंगे, वो उस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है। एक्सप्लेनेशन का हो सकता है मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि एक्सप्लेन कैसे करते हैं तो कमेंट करके बताओ, जल्दी से मैं प्रिपेयर करूंगा। हालांकि बहुत सारे बैचेस चलते हैं, बैचेस चलते हैं ऑफलाइन, और ऑनलाइन समय देना काफ़ी क्या हो जाता है, मुश्किल। लेकिन आपने इतना कॉल किया मुझे, इतना पूछा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए अब 6 नंबर पर आते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आंसर। अब आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं और वो 2 अंक के होते हैं, तो यहाँ से आपका 10 मार्क्स कवर होगा। ये प्रोज से भी होगा, पोइट्री से भी होगा, यानी कि आपको चैप्टर्स का जो रीडिंग है वो आपको देना होगा। आपको पता करना होगा किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, आपको ये प्रिपेयर करना होगा। कैसे प्रिपेयर करेंगे ये भी आगे क्लियर करूंगा। आइए एक बार कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लें कि सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आपको ऐसे की तैयारी करनी है, याद रखिएगा ऐसे की तैयारी कर ही लेनी है। एक लेटर राइटिंग आपको लिखने आना चाहिए, लेटर राइटिंग नहीं आया तो फिर क्या आया, आपको प्रिंसिपल के पास, एडिटर के पास, या फिर कज़न के पास, कहीं पर भी आप एक लेटर को लिखने के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। समरी राइटिंग में, प्रोज में आप एक स्टोरी रेडी करेंगे, जैसे कि ए पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ, ठीक है, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम एंड ए मैरिज प्रपोजल, ये सब तो इम्पॉर्टेंट है, इन सबको तैयारी तो होनी ही चाहिए सभी स्टूडेंट्स की, क्योंकि इससे एक्सप्लेनेशन भी आता है और क्वेश्चंस आंसर भी आते हैं। मैचिंग लिस्ट क्या है कि आपको प्रत्येक चैप्टर के ऑथर्स को, राइटर को याद कर लेना है कि किसने लिखा है। उसी प्रकार से पोइट्री में आपको समरी के लिए स्नैक याद कर लेंगे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस याद कर लेंगे,
हो सके तो मेकाविटी को भी याद कर लीजिए तो और बेहतर हो जाएगा। ये सभी तो इम्पॉर्टेंट्स हैं, सभी को याद होनी चाहिए। अब चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक पोइट्री में आप एक्सप्लेनेशन के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, यानी चैप्टर 1 से 6 तक आप रीडिंग देंगे, देख लेंगे क्या सब है, कैसे है, क्या बात कहा जा रहा है। ठीक है, सेम यही चीज़ आप प्रोज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब क्या है कि एक्सप्लेन करने के लिए यही चीज़ें होगी प्रोज से और पोइट्री से, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। क्वेश्चन आंसर उसी से पूछा जाएगा कि प्रोज से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, पोइट्री से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ऑप्शंस तो 10 रहेंगे लेकिन बनाने केवल 5 ही हैं और 10 मार्क्स के होंगे। तो उम्मीद है कि इतना तो समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चंस की जो संख्याएं हैं और भी हैं, याद रखिएगा 7th नंबर पर, इसलिए मैं इसे अलग कलर से बता रहा हूँ। 7th नंबर पर आपसे कंप्रिहेंशन या फिर प्रेजीज राइटिंग पूछता है। कंप्रिहेंशन क्या है कि एक पैराग्राफ दिया रहता है, इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चंस के जो आंसर हैं इसी पैराग्राफ में हैं, तो आपको पढ़ के उसका आंसर दे देना है। तो जाहिर सी बात है ये तो आप कर ही लेंगे। और करके यानी अथवा कर्म करके या तो आप इसको बनाइए, या एक होता है एक पैराग्राफ दिया रहेगा, प्रेसिज राइटिंग उसे कहते हैं, एक पैराग्राफ रहेगा, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उसको 3 से भाग दीजिए, जितना भी आपका वर्ड्स निकलेगा उसी के अंडर में आपको पैराग्राफ लिखना है। साथ ही साथ इस पैराग्राफ का एक टाइटल भी आपको दे देना है, चाहे आप इसको बनाइए या इसको बनाइए। तो 1 से लेकर के 7 तक मैंने आपको बता दी। अब आप कहेंगे कि आपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एक भी क्वेश्चंस नहीं बताया। देखिए, आप मिडिल इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, ओल्ड इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन याद रखिएगा जो 6th नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें कहा जाता है 6 ऑप्शंस, जैसे ABCD करके रहता है, इसमें आपको मात्र 3 ही का आंसर देना है। ठीक है, तो क्यों ना हमने एक समरी राइटिंग कर लिया और हमने एक प्रोज का मैचिंग लिस्ट बना लिया और दूसरा हमने पोएट्री का मैचिंग लिस्ट बना लिया, यानी मिलान करने वाला 2 और 1 समरी, तो हो गया हमारा 3। तो अब हम क्यों घुसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, यहाँ पर हमारा समय बच गया। अब प्रिपेयर करने के लिए समय भी तो कम है, तो यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आइए ऑब्जेक्टिव की तरफ। सेक्शन A। अब सेक्शन A में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है, अब ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से डील करना है। तो क्या मैंने लिखा, सॉल्व रेनबो Part 2 के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे कवर करने का कोशिश कीजिए। यानी कि किताब से, आप कहते हैं ना किताब से, तो सभी तो किताब ही हैं लेकिन बुक से रेनबो Part 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसे डील कर लीजिए, क्योंकि किताब की चीज़ों को याद करना आसान है, हो सकता है आप इससे मार्क्स अच्छा खासा ला सकते हैं। यानी कि रेनबो बुक से आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 100 नंबर के क्वेश्चन से यानी पीछे के साइड से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, 60 तक बढ़ेंगे, 50 तक बढ़ेंगे, तो इसमें आपको रेनबो बुक से कवर होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा डील करना है। अब दूसरे नंबर पर देखिए, आपको देखना एक आसान टॉपिक क्या है ग्रामर में, तो वो है आर्टिकल। क्योंकि आपने तो बुक का कर लिया, अब आपका कौन सा प्रश्न बचेगा, ग्रामर का। ग्रामर का, ग्रामर में आपको क्या है, आर्टिकल को कवर कर लेना है। आर्टिकल का मैंने वीडियो पहले ही दे दिया है आप लोगों को, और वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा ऊपर साइड में रहता है ना आई बटन। और आपको मैं बता दूं कि उससे ही सारे आर्टिकल के क्वेश्चंस आएंगे, उसे समझ लीजिएगा। अब तीसरा नंबर देखिए, आपको किस चीज की तैयारी करनी होगी, मोडल्स, जिसे हम लोग मोडल्स भी कहते हैं। अब मोडल्स में कहाँ कैन का, कुड का, सुड का, एक मोटा मोटी बात बता दूं, अगर किसी के अंत में विस्मयादि बोधक हो यानी कि एक्सक्लामेशन वाला मार्क हो तो आप वहां पर मोडल्स मे का प्रयोग कर देंगे। अगर कैपेसिटी की बात हो तो वहां पर आप कैन का प्रयोग कर देंगे।
अगर सलाह मशवरा देना हो तो वहां पर आप शुड का प्रयोग कर देंगे। तो इन सब की तैयारी करनी होगी, प्रिपेयर करना होगा आपको। अब देखिए आगे किस चीज़ की तैयारी करनी होगी, वर्ब। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना वो वर्ब से ही होता है, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सिलरी वर्ब को प्रिपेयर करना है, मेन वर्ब को प्रिपेयर करना है, यानी खाली जगह दिए रहते हैं और ऑप्शंस में कहता है कि क्या भराएगा, तो आपको वहाँ पर राइट आंसर जो है ना OMR में भरना है। तो वर्ब से याद रखिएगा, वर्ब से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद जो पांचवें नंबर पर है ग्रामर से, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की तैयारी आप कर लेंगे, ठीक है। बाद में मैं कंप्लीट इसको समझाऊंगा भी किस प्रकार से क्या करेंगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ। प्रीपोजिशन का आपने तैयारी कर लिया, अब आपको कर लेना है वॉइस का और उसके बाद नरेशन का। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं सर नरेशन समझ नहीं आता, डिफिकल्ट होता है, समय कम है। मैं कहता हूँ मत बनाना, इसलिए क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस नरेशन के होंगे। मान के चलिए कि क्वेश्चंस नहीं है, उसे टच ही नहीं करना है। मार्क्स कटने की अगर उम्मीद है तो उसे टच ही नहीं करना है। आपके पास ऑलरेडी तब कितने क्वेश्चंस बच जाएंगे, 97 क्वेश्चंस, और 97 में आपको कितने सॉल्व करने हैं, 50 ऑब्जेक्टिव। जाहिर सी बात है आराम से आप उसे कवर कर सकते हैं। आगे देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या है, एंटोनेम्स एंड साइनोनेम्स, यानी कि समानार्थक शब्द और विपरार्थक शब्द, इनकी तैयारी आपको कर लेनी है। हो सके तो एक और चीज़ रिमूव टू, रिमूव टू की तैयारी कर लेनी है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले समझना है बात को कि प्रिपेयर किसे करें। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा रेनबो पार्ट टू के बुक के ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि आपके पास समय कम है और आप ग्रामर को हो सकता है कवर ना कर पाए। फिर भी आर्टिकल का वीडियो देख लीजिएगा, मोडल्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, वर्ब्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब सारे वर्ब आते हैं। प्रीपोजिशन की तैयारी कर लीजिएगा, वॉइस, नरेशन और एंटोनिम्स साइनोनिम्स रिमूव टू। अब ये प्रिपेयर होगा कैसे, चलिए आइए इस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशन क्या है, देखिए सबसे पहले जो सेक्शन बी में था मैंने तो बता दिया क्या क्या तैयारी करना है। इस तैयारी को करने के लिए आप क्या करेंगे, गैस पेपर को उल्टाएंगे। किसे उल्टाएंगे, गैस पेपर को। अब गैस पेपर में पहले से ही सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि लेटर राइटिंग के लिए, एसे राइटिंग के लिए, उसमें किस प्रकार से क्या लिखा गया है उससे आप प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन बी के लिए गैस पेपर से तैयारी करेंगे। साथ ही साथ आपको करना क्या होगा, आपको एक क्वेश्चंस बैंक रखने होंगे। क्वेश्चन बैंक से क्या करना होगा, आपको बार बार पेज को पलट के, यानी कि सेक्शन वाइज प्रत्येक चैप्टर में देखना होगा किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस की संख्या है, किससे ज़्यादा लिया गया है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आप उसे क्या कर लेंगे, नोट कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसकी तैयारी कर लेंगे, वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये हो गया सेक्शन बी का काम। अब चले आइए सेक्शन ए का क्या काम है। सेक्शन ए में तो हमारा बुक का भी है, यानी कि रेनबो का भी है, और किसका है, ग्रामर का भी है। अब देखिए बुक को कवर करना काफी आसान है, आप क्या करिए, गेस पेपर को तो रखिए ही रखिए, साथ ही साथ मॉडल सेट आता है, जितना ज्यादा आप उसे बना सकते हैं बना लीजिए, ठीक है। मॉडल सेट को बनाना ही बनाना है, मस्त है। ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, जहां पर आप खोजना चाहेंगे वहां पर ये मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आप बुक की यानी कि रेनबो पार्ट टू में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये डील हो जाएगा। अब बच गया आपका ग्रामर को। अब ग्रामर क्या करना है, ग्रामर में भी सेम मॉडल सेट से आपको सेट मारना है। क्या करना है, सेट मारना है। रोज आप जो है ना 3 से 4 सेट मारेंगे ग्रामर का, और आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट कि किस प्रकार से आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है। और इसमें भी सेम बात वही करना है कि क्वेश्चन बैंक को रखना है, देखना है किस पैटर्न का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे कि वर्ब से क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, तो वर्ब का प्रिपरेशन कर लेना है। आप देखेंगे कि आर्टिकल का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप आर्टिकल की तैयारी कर लेंगे।
इस प्रकार से तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ मॉडल सेट से आप गेस पेपर को उसमें अटैच करेंगे, यानी गेस पेपर से देखेंगे कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से गैसिंग है, सजेशन है, गाइड है, उसको आप प्रिपेयर करेंगे। यानी कि आपको गेस पेपर रखना है और रखना है मॉडल सेट। आप ये दोनों को बुक के भी द्वारा, यानी कि किताब जो आती है उसके भी द्वारा, या फिर YouTube YouTube पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एकलौता मैं ही नहीं, बहुत सारे टीचर हैं जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं और मेरी वीडियोस को तो सारे देख डालिए। मैंने क्या किया है ना, सबसे पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इसको समझाने के साथ साथ मैंने सेक्शन वाइज वीडियो बनाया है, और साथ ही साथ सिलेबस की जानकारी दी है। इंग्लिश का सिलेबस हो चाहे वो हिंदी का सिलेबस हो, सभी सिलेबस को मैंने बताया है। सिलेबस को समझना ज़रूरी है, सिलेबस को समझ जाइए, इसके बाद यही आपका रान वाला इलाज है, यही आपका जो है ना सल्यूशन है। कि गेस पेपर को देखिए और मॉडल सेट को देखिए, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उसे नोट करिए और सेट बनाते चलिए, यहाँ से आपका प्रिपेयर होगा। और आप क्या करते हैं, बस कॉल करते हैं कैसे होगा सर तैयारी। आप प्रिपेयर स्टार्ट तो करिए करना, मैंने आज सारी बातें बता दी। मुझे नहीं लगता है कि अब और ज़्यादा इसे डिक्लेयर करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके हेल्प में आया होगा। आपको हेल्प आया है ना, तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि जब आप ग्रुप स्टडी करेंगे तो ज़्यादा मन लगेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।